नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटावाद बहन जी की दिल्ली में रैली थी और भारी तादाद में लोग आए थे। रैली अभी खत्म हो चुकी है। बहन जी ने कांग्रेस पे और आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कुछ लोग यहाँ पर अगले समझते हो देश क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? रैली बहुत अच्छी लगी, बहुत सारी भीड़ भाड़ आई और दिल्ली के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाए। अगली बार जो पीएम कुमारी मायावती जी बनेंगी इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले इस बार चुनाव में हमारी बहन मायावती विजय बने, हमारी बिल्कुल बन पाएंगे। जिस तरह से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इससे लगता है कि हमारी बहन मायावती रैली जरूर आएंगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं बहन जी के रैली में, क्या वोट वोट मायावती जी को सपोर्ट करना है। मेरा नाम अमित कुमार दोस्त है। पहली बात तो मैं 5 ATM के बारे में बता रहा हूँ। 5 ATM जो आया है 48 होने के बाद 1,20,000 ATM गुम हुआ है और प्रशासन को पता भी नहीं है। ये भाजपा के दुनिया जो के बाद आदमी है, पहले बात हमें युवा है, हमें तो रोजगार नहीं मिला है। बोले तो 2 लाख रोजगार हर साल मिलेगा। अब बोले पकौड़ा तले, पकौड़ा मैं तलूंगा, खाएगा कौन? खाएगा कौन? मोदी, मोदी खाएगा। वो चाय बनाएगा, हम दे देंगे पकौड़ा। अगर सब चाय पकौड़ा बनाएंगे ये अपने हैं तो पकौड़ा तले खुल जाएंगे। पहली बात तो अमित शाह जो ग्रो है उस देश से भागा हुआ है, उनका लड़का एक दिन का 200 करोड़ रुपए कमाता है तो हम लोग युवा को पकौड़ा तले खोलेगा? अरे मोदी, हम तो चाय बनाते थे ना, अब की बात जब पकौड़ा नहीं है चाय जिन्हें कितनी भी नहीं मिलेगा, ये हमारे को चीज है, हम युवा है। मैं लगा इस बार पीएम बनेंगे बहन जी। यस, क्योंकि हम घर घर जा रहे हैं और बहन जी के बारे में एक एक वोट बहन जी के बारे में देंगे, क्योंकि मैं 4 बार मुख्यमंत्री बनी 4 साल में। क्योंकि अगर बहन जी स्कूल बनाई और डॉक्टरी बनाई, खुद प्रवासन में आश्रम बने, घर बनाए, गरीबों को दिया गया है और खुद ने दिखा देता विकल्प मिल पाते। तो बहन जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे सबका उद्धार होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है उसका असर पड़ेगा एकदम। गठबंधन जीत रहा है और मोदी अमित शाह और ये ना जो चाल लगा रहे ना कि घोटाला कर लो तो अच्छी बार मोदी साहब के धाम देना, अच्छी युवा निकले हैं ये, अच्छी बार घर में तुम्हारे एक फोन नहीं पड़ने देंगे, अच्छी बहन जी का साथ होगा, सबका विकास होगा। देखिए आज अखिलेश के समर्थक और बहन जी के समर्थक यहाँ दिल्ली में रैली थी, यहाँ पर लोग आए थे बड़ी तादाद में। अब आप देख सकते हैं जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ उसी तर्ज पे आज से 4 दिन पहले दिल्ली में भी ऐलान हुआ कि यहाँ पर गठबंधन किया गया है सपा और बसपा का, और यहाँ पर बड़ी तादाद में सपा बसपा के समर्थक और लोग आए हुए हैं। आप बड़ा बहन जी ने RSS मोदी और बीजेपी पर करारा हमला बोला है और कुछ लोग भी हैं जी। जी मैडम आइए, तेवर हमले थे। देखिए तेवर हमले तो बनते हैं जिस प्रकार से देश के हालात चल रहे हैं और इस देश के लोग जिस तरीके से परेशान हैं, अपना वोट देकर भी जिसको फुल मेजोरिटी की सरकार बनाने का मौका दिया, आज वो उनको कैसे भिगो भिगो के डंडे मार रहे हैं, उसके लिए बहन जी क्योंकि सच्ची हमदर्द है देश के नागरिकों की, इसलिए तेवर तो तेज होने बनते हैं। जो सपा का वोट है वो ट्रांसफर हो पाएगा भी? बिल्कुल होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को भी पता लग गया है, OBC समाज के लोगों को भी, कि उनका हित जो है वो बसपा में ही निहित है और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हमारे लोगों के अधिकारों को ठीक तरीके से भारत में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन मैम दिल्ली का जो दलित है वो BSP को वोट तो नहीं करता, इसकी क्या वजह है? देखिए वजह बहुत सारी है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे सारे भारत से लोग आते हैं, जैसे मेरी बहनों ने भी आपको बताया, यहाँ पे लोग रोजी रोटी कमाने में इतनी व्यस्त रहते हैं कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा लग जाते हैं, कैडर की तरफ थोड़ा सा हट जाते हैं, तो उनको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए बहन जी दिल्ली में आई है कि उन तक अपना मैसेज पहुँचा सके और BSP के हाथों को मजबूत किया जा सके। क्या लग रहा है कांग्रेस से छूट ये तो आप
आपके सामने प्रूफ है उत्तर प्रदेश की, आप न्यूज सुन रहे होंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाकर आए हैं। 80 सीटों में से 70 सीटों पे हम दम ठोक के दावा कर रहे हैं। वहाँ जो गठबंधन में है, मुस्लिम ही नहीं बल्कि सर्व समाज, खाली मुस्लिमों का मामला नहीं है, क्योंकि मुसलमान देश के अंदर अमन अमान चाहता है, सुख चैन शांति चाहता है। मुसलमान को कोई और लोग लालच नहीं है, मुसलमान को अपने देश के अंदर सिर्फ अमन की दुआ करता है, मस्जिदों में अपने मुल्क में अमान चाहता है। सर, अकेले BSP ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, क्या वो वोट ट्रांसफर होगा मुस्लिम का? ऐसा है, BSP का जो अपने परसेंट वोट है वो तो कहीं कटता ही नहीं है, लेकिन जब मुस्लिम समाज, अब मुसलमान ज्यादा है, BJP के लोगों ने इस मुल्क में ऐसी हरकतें की सर समाज को सताने की, और मुसलमान सबसे बढ़कर आगे हिस्सा लेता है अपने देश में सुख चैन शांति के लिए, इसलिए मुसलमान गारंटी से चांदनी चौक सीट पर शाहिद के साथ जाएगा, शाहिद अली के साथ जाएगा, शाहिद एडवोकेट के साथ जाएगा। यूपी में मुस्लिम एक तरफा हो गया BSP सपा के लिए, क्या दिल्ली में भी होगा? हम लोग इसी मेहनत में लगे हुए हैं और आप ये हवा देख रहे होंगे। आज बहन जी की रैली ने साबित कर दिया कि जुमे के दिन जुमा होते हुए जुमे की नमाज से फारिग होकर के बहन जी की रैली में मुसलमानों ने आने का काम किया है। ये इस बात का प्रूफ है कि मुसलमान गठबंधन को वोट देने जा रहा है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, कार्यकर्ता जमीन पर एक नहीं है। देखिए सर, कार्यकर्ता एकजुट है, BSP और सपा और साथ में दलित और मुसलमान अन्य वर्ग भी साथ मिलकर काम करें, ताकि बहुजन समाज पार्टी का जितने भी आज तक दबे कुचले लोग हैं, जो भी झुंडाओं में जो भी झोपड़ी और जो मजदूर आदमी, वो सभी सब एकजुट होकर BSP को वोट डालेंगे और BSP के हाथ में भाग करेंगे। बहन जी को प्रेम देखना चाहती है, जो आप गलत था कोई भी देश में कांग्रेस ने BJP ने उन लोगों ने सभी जनता का भला किया, जो मुसलमान का भला किया, इनको बेहतर बनाकर रखा, क्योंकि इन्होंने झूठी आसान देखे थे कि वो कांग्रेस BJP दोनों ही एक ही है, भाई और बहन के तरह होते। ये बहुजन समाज पार्टी का सीधा सीधा एजेंडा है, एक पिता मांगी संतान, हम सबके सब है इंसान, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेंगे देंगे हिस्सेदारी नहीं सहेंगे ताबेदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको सरकारी नौकरियों में उसके अनुपात सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, वादे नहीं करती बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए आगे बढ़ रही है। सर, जिस प्रकार 2014-15 में केजरीवाल को दलितों ने मुस्लिमों ने वोट दिया, लेकिन जब राज्यसभा की बात आई, दो बनी एक ठाकुर भेज दिया, सर ना मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी है, ना उसमें वाल्मीकि समाज की है, ना जितने भी जितने रिक्शे वाले ठेले वाले ने वोट दिया सर? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर तो बहुजन समाज पार्टी का धीरे धीरे वोट बढ़ रहा है, वो सत्ता के आधार पर उन्होंने घट रहा है वोट, बहुजन समाज पार्टी का 1% आ गया। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त आप देख लेना कि इस चुनाव के अंदर आपको बहुत उरूज मिलेगा, आगे चल के चुनाव फैसला कर देगा, 12 तारीख में एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। सर, इस बार क्या मुस्लिम लोगों के दिल्ली में क्या मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए मुद्दे यही होंगे कि देश में जो है अमन चैन कायम हो, जिस तरह की हिंसा बढ़ी, लोगों के अंदर भेदभाव आया, वो भेदभाव खत्म हो, शांति का माहौल बने, भाईचारे वाला माहौल बने। नहीं, कहीं ना कहीं बार बार जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम नेता हैं, उनका कहना है कि कब्रिस्तानों पे सरकारें कब्जा कर रही हैं, किसी से करवा रही है, एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। हाँ, तो ये तो BJP वालों का खुला प्रहार रहता है, इस तरह का बीच में लड़ाई झगड़े करवाना, दंगे करवाना, भाई भाई को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करना, इनके अंदर गैप बनाना वोट के लिए, ये सब करना, ये तो इनके मुद्दे रहे हैं पहले से। तो क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम एकजुट होकर किसी एक पार्टी या BSP या कांग्रेस या आप पे क्या माहौल दिखाई दे रहा है? गठबंधन में पूरी 80 की 80 सीटें गठबंधन को जा रही हैं। नहीं सर, दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, अगर दिल्ली में देखिए हवा BSP की तरफ बहना शुरू हुई है, पहले कमजोर थी, अभी थोड़ा थोड़ा मजबूत होना शुरू हुई है, तो BSP को भी सीटें मिलेंगी ऐसा नहीं है। सर, क्या कहना चाहोगे, आज बहन जी की रैली हुई थी? आज बहन जी की बहुत जबरदस्त रैली हुई है यहाँ पे, और इससे ये पता लग रहा है कि इस बार दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की जबरदस्त जीत होने वाली है, और जिससे BJP और कांग्रेस वालों के हौसले पस्त हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, लगातार ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और सर्व समाज की बात करती रहे। क्या लग रहा है इस बार बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, जैसे नाम उनका आगे आ रहा है, उछाल लग रहा है? देखो, कुछ भी हो सकता है, इस राजनीति में हर चीज संभव है, कुछ भी चीज असंभव नहीं है। अगर अचानक कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री जरूर बन सकती है। ठीक है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी।
आज 10 मई को बहन जी की आज जीटीबी जो हॉस्पिटल है उसके पास में जो रामलीला मैदान है उसमें एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें हर समाज ने भागीदारी ली। और आज से ही चार दिन पहले समाजवादी पार्टी ने भी दिल्ली में समर्थन किया और एक गठबंधन किया, एक साथ चुनाव लड़ने के लिए दोनों एक साथ आई। और देख सकते हैं जिस प्रकार से बहन जी ने आज अपनी सभा में अपने भाषण में कांग्रेस पे, बीजेपी पे और आम आदमी पार्टी पे बड़ा तकड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, हाँ सर क्या कहते, जय भीम ग्लोबल वॉइस न्यूज़ को। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जो है बहन जी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। बहुत ही बढ़िया स्पीच बहन जी की रही और दिल्ली प्रदेश में जो है बहुत अच्छी पोजीशन बहुजन समाज पार्टी की है। दिल्ली प्रदेश में 5 प्रत्याशी हैं, 5 में से 4 सीट जो है निश्चित रूप से हम लोग जो है जीतने वाले हैं। और न केवल दिल्ली शहर में बल्कि पूरे जो है इंडिया भर में बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन की 150 से ज़्यादा सीटें जो है आने वाली हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में खाली हम 70+ में जो है जीत रहे हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली शहर में 4 सीटें होंगी, पश्चिम बंगाल में कई सारी हैं। सर, बिहार में जी ने अपने भाषण में एक बात कही, जो कार्यकर्ता हैं बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनका दिल्ली में जो जितनी भी कमेटी है उस पर ढीला रवैया, जिसके कारण से 2 जो सीटों पर उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। क्या सर ये बार बार बात उठती है कि जो दिल्ली के कार्यकर्ताओं कहीं ना कहीं ढीलापन रहा और उसी वजह से कहीं ना कहीं बीएसपी का वोट बैंक भी गिरा? नहीं, ये जो है दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं का ढीलापन नहीं है, असल में कुछ कमियां रही। चुनाव आयोग भी कई बार, आपने जो है बनारस की घटना देखी होगी, फौजी जो है उसने नॉमिनेशन किया था अपना और किस तरह से कमियां निकाल के जो है उसको बाहर कर दिया गया जो है चुनाव से। ठीक ऐसा ही कुछ जो है दिल्ली प्रदेश में भी हुआ है, क्योंकि छोटी मोटी बातें तो होती हैं जिसको चुनाव आयोग कई बार जो है अनदेखा करता है, करना चाहिए जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है उसको, तो ये वजह यहाँ पे रही। क्या लग रहा है सर जो 5 कैंडिडेट हैं, 5 में से कितने जीतने की उम्मीद है? 5 में से निश्चित रूप से 4 कैंडिडेट जीतने वाले हैं। कौन सी सीट आपको कमजोर दिखाई दे रही है? कमजोर कोई नहीं है, सारे जो है मजबूत प्रत्याशी हैं। ठीक है सर।